हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कट का। कट का ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई भी डाटा एक साइड से कट करके दूसरी साइड पर पेस्ट करना हो। जैसे यहाँ पर जो भी डाटा है उसको पहले मैं यहाँ से कट करूँगी और मैं चाहती हूँ ये डाटा मेरा यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे तो जो भी डाटा है हमारा यहाँ जे से हट के एम पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी के ऑप्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम डाटा की डुप्लीकेट बना सके। तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जे पर हमारा डाटा आ जाए, तो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये सेम इसी की ही डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अब मेरे पास है यहाँ पे ऑप्शन कॉपी के अंदर ही एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर कॉपी एज पिक्चर। तो सबसे पहले हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी एज पिक्चर। अब यहाँ पर मेरे पास एज शोन ऑन स्क्रीन एंड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर दोनों को सिलेक्ट करके हम ओके करेंगे तो जो भी मेरा डाटा है उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यहाँ पर ये एज अ पिक्चर शो हो तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे तो ये एज अ पिक्चर हमें यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम एक डाटा की जो भी फॉर्मेटिंग है वो दूसरे पे एज इट इज़ अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग देते हैं। जैसे यहाँ पर फॉन्ट कलर जैसे मैंने यहाँ पर रेड कर दिया और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहती हूँ ये जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है कलर साइज की वो सभी इसी पे अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये मेरे पास पेंट का एक आइकन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे जहाँ पर भी हमें जिस डाटा पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहाँ पर इस ब्रश को चला देंगे तो जो भी हमारी फॉर्मेटिंग है वो उस डाटा पर अप्लाई हो जाएगी।